राजकुंद्रा के ना जाने कितने अकाउंट थे और हर अकाउंट से करोड़ों रुपए सामने आ रहे हैं। कभी पीएनबी अकाउंट जो है वो सीज किया जाता है, कभी जो है अब खबर आ रही है कि एसबीआई में भी, वो भी कानपुर में उनका अकाउंट था और एक नहीं दो अकाउंट थे जिनकी जानकारी अब सामने आ रही है। और अब तो एसबीआई के ऑफिसर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि संडे को दो अकाउंट जो है वो सीज किए गए हैं और इन दोनों ही अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। तो एक बात सामने आई है कि राज कुंद्रा के अकाउंट जो है ना सिर्फ मुंबई में बल्कि कई ऐसे अकाउंट सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अब पुलिस का शक बढ़ता जा रहा है। और इन सारी चीज़ों की जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी कंपनी में काम करने वाला अरविंद श्रीवास्तव, जो खुद को यश ठाकुर भी बता रहा था, वो भी कानपुर का ही है। और जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि यश ठाकुर जो है वो तो 2020 में ब्रेन हैमरेज की वजह से मर गया, लेकिन अरविंद ने उसकी आइडेंटिटी ले ली। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन वाला मामला है। और अब जो है सामने आ रहा है कि दो अकाउंट जो है वो सीज हो गए हैं। इतना ही नहीं, ये भी बात सामने आई कि एक अकाउंट जो है शिल्पा और राज कुंद्रा का भी ज्वाइंट अकाउंट है और जिस अकाउंट में करोड़ों रुपए जो है वो जमा किए गए थे और पीएनबी का ये अकाउंट है और उसी अकाउंट में, उसी सेम अगर मैं कहूँ तो बैंक में राज कुंद्रा के 2016 से अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया, उसमें मिनिमम बैलेंस भी जो है मेंटेन नहीं किया गया, लेकिन उसी बैंक में जो शिल्पा के साथ अकाउंट है उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो लगातार कई बैंक डिटेल्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और इन बैंक डिटेल्स से ये निकाला जाएगा कि आखिर ये पूरा पैसा जो है कहाँ से आता था। कानपुर से ये कनेक्शन तब सामने आया जब एक महिला के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हुए दिखे और ये पता चला कि जो राज के व्हाट्सएप ग्रुप थे कंपनीज के, उसमें एक अरविंद श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति था। अरविंद श्रीवास्तव जो है वो अपने सारे पैसे जो है अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा करता था और अब जो है वो अकाउंट भी सीज कर लिया गया है। तो एसबीआई में भी अब दो अकाउंट कानपुर में राज के सामने आए हैं जिनको सीज कर लिया गया है।